खटकना क्या बात, हाँ ये खट इतना नहीं है यार ये, हाँ कहाँ से तनु ये करिए 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 थोड़ा थोड़ा सा राइट, थोड़ा सा राइट तनवीर, हाँ ये और यहाँ से पास मिनट, यहाँ पे बहुत हेवी है, लेना 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 लास्ट है सर। ओके एंड खाली आके पहले मेहंदी एटर करना, आके मेहंदी एटर ट्रैक, चल चल ट्रैक, चलो खाली ना ये चल, थोड़ा स्लो चला, चल थोड़ा और स्लो चला, ये यहाँ से एडिट कर देना बस, थोड़ा यहाँ पे ब्लॉक सही बना, थोड़ा स्लो चला अभी दो आ गया एंड और यहां से वॉक करके जाना, रोलिंग है पास इट एंड एक्शन दो है ट्रैक कट ब्लॉक करो ना, इधर आओ ना यार, यहां कर देना कट ओके ट्रैक गाइस, अभी सीधा वहां से रोलिंग हैंड खींचे खींचे खींचे, हाँ रोलिंग हैंड, अरे यार इट्स रोलिंग पासिंग एंड दैट मींस एक्शन करो, नहीं एंड एक्शन अभी आओ खाली और आ गया और आ गया और आ गया और आ गया, थोड़ा हाथ ऊपर, रोलिंग हैंड पासिंग एंड हाँ जी एंड एक्शन चलो ट्रैक ऑफ इन पास टेंस गुड कट ओके अभी और पासिंग ये
अभी क्या ये सीक्वेंस ये है कि जोया की मेहंदी होने वाली है और मैंने मेहंदी में एसिड मिला दिया है जिससे कि उसके हाथ जल जाए और मतलब उसको एक बार और परेशान करने का मौका है मुझे और मैं वो मौका गंवाना नहीं चाहती हूँ तो मैंने उसकी मेहंदी में एसिड मिला दिया है। इतना प्यार असद ले क्यों है आपके दिल में और कोई लगा? मुझे कोई प्यार व्यार नहीं है असद से। असद प्यार करता है जोया को और जोया प्यार करती है असद से। मैं तो सिर्फ असद को चाहती हूँ अपने मतलब के लिए कि अगर उससे मेरी शादी हो जाएगी तो मुझे एक नाम मिल जाएगा, मुझे एक शोहरत मिल जाएगी, बस इसलिए। मुझे असद से कोई प्यार व्यार नहीं है। आपको क्या लगता है असद किसको प्यार कर सकेगा? आपको मतलब या जोया को? जी वो प्यार चाहे किसी को भी करे लेकिन होगा मेरा ही वो, तो ये तो बिल्कुल फैक्ट है। ऑब्वियसली जो ज्यादा प्यार करता है उसी की जीत होती है रियल लाइफ में। अब रियल लाइफ में थोड़ा उस चीज़ को एक्सटेंड किया जाता है अभी, लेकिन एंड में तो यही होगा ना, जीत उसी की होगी जो सच्चा प्यार करता है। लेकिन लव ट्रायंगल में मजा भी आता है। अब आपने जितनी भी फिल्में देखी होंगी सिलसिला से लेके आज तक जितनी भी फिल्में आई हैं लव ट्रायंगल के ऊपर वो बहुत सक्सेसफुल रही हैं। जितने भी सीरियल्स आए हैं तो वो भी सक्सेसफुल रहे हैं। तो आई एम श्योर कि ऑडियंस को लव ट्रायंगल बहुत अच्छा लगता है, चाहे वो दो लड़के और एक लड़की हो, चाहे वो एक लड़का और दो लड़के हो, तो लड़कियाँ हों। बहुत ज्यादा और मुझे और ज्यादा खुशी हो रही है इसलिए क्योंकि जब से मैं आई हूँ तब से वो टीआरपी बढ़ती ही जा रही है तो मुझे और अच्छा लगता है बिकॉज़ कि कभी कभी लगता है कि वो मेरे आने से भी थोड़ी टीआरपी बढ़ रही है। थैंक यू। Yeah.
अभी एक शॉट देना कौन से कौन से ये धर्मा वाले पार्टी की तरफ रेडी नहीं लाइव ज्यादा खराब इधर